दोस्तों, जब एक टैलेंटेड सिंगर जब एक सेलिब्रिटी बनता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके फैंस को होती है, उसके परिवार को होती है, उसके अपनों को होती है, और वैसी ही खुशी हम सबको हो रही है पवनदीप राजन के लिए। जी हाँ, इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी को जीतने के बाद पवनदीप राजन सिर्फ वहीं नहीं थमे। न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में परफॉर्मेंस करने के बाद अब पवनदीप राजन एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। कई सारे सुपरस्टार सिंगर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ उनके गाने आने बाकी हैं। और उसी बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में से एक सलीम मर्चेंट के साथ उनका महाशिवरात्रि को एक गाना रिलीज होने को तैयार है। और ये खुद सलीम मर्चेंट पवनदीप राजन के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं, पहले नजर डालते हैं इस वीडियो पर। हे गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इस महाशिवरात्रि में हमने एक बड़ा सुंदर सा गाना बनाया है जिसको पवनदीप ने गाया है। मैंने पवनदीप को पिछले साल सुना था और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि 2022 में पवनदीप के साथ में मैं जरूर एक गाना करूँगा। तो यह भी आप इज अ बिग सॉन्ग फॉर महाशिवरात्रि। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक मौका है, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना मुश्किल ही से मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंगर्स चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा गाना गाएं। तो मेरे को लगता है कि ये मेरा पहला ऐसा गाना है जो मुझे स्टूडियो में सर के वहाँ गया तो पहले तो एक्सपीरियंस ये था कि वो स्टूडियो हमने बहुत वीडियोस में देखा था और अचानक से मेरा वहाँ होना बहुत मेरे लिए बहुत अलग था और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मीठा गाना और बहुत कमाल का, पहली बार सुन के मज़ा आ गया था। फिर सर से मैंने बोला कि हम अभी रिकॉर्ड करेंगे, सर ने बोला अभी करेंगे रिकॉर्ड, तो इस तरह से गाना रिकॉर्ड हुआ है। अभी हम लोग शूट के लिए आए हुए हैं, रास्ते में हैं, कहीं पे पहाड़ पर जाना है। सफ़र बड़ा लंबा है लेकिन नीयत बड़ी अच्छी है, बड़ी सच्ची है। और इस महाशिवरात्रि एक बड़ा सुंदर सा गाना आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स गोना कम ऑन आवर YouTube चैनल, ऑन द सलीम सिनेमा YouTube चैनल। तो दोस्तों, क्या आप पवनदीप के लिए खुश हैं? क्या आप पवनदीप को एक बार फिर से सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में एज अ स्किपर देखने को एक्साइटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।